बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे। जी, ये 6 माह के बच्चे के लिए मैं एक कुर्ता बना रही हूँ 14 अगस्त के हिसाब से। तो ये कुर्ते की लंबाई जो है ये मैंने रखी है 18 इंच, और 8 इंच इसका तीरा रखा है। बाकी जो खुला है ये मैंने 12 इंच कटिंग में रखा है, तो सिलाई होके थोड़ा ये कम हो जाएगा, 11 11 इंच रह जाएगा तकरीबन। तो ये इसका जो शोल्डर है वहाँ पे मैंने पेस्टिंग बुकरम लगाई है तकोन में दोनों तरफ, और जो पट्टी है इसकी उस पे भी मैंने एक पेस्टिंग बुकरम का टुकड़ा लगाया है पट्टी के हिसाब से, और सेंटर में उसको कटिंग कर दिया। लेकिन उसकी जो कटिंग है वो बाद में जब कपड़ा लगाएंगे तो फिर करेंगे। और ये पेस्टिंग बुकरम पे मैंने पेंसिल से सादा लाइन जो है ये ड्रा कर ली थी, और उस हिसाब से ये अब इस पे ये मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया, और उसको ट्रिपल करके तो जो मशीन की फिरकी होती है उसमें भर लिया है, और ऊपर की साइड पे सफ़ेद धागा है, और जो सिलाई है ये मैं सीधी साइड नीचे की तरफ की हुई है, और जो उल्टी तरफ है वो ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ही इस पे सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने। जो पेस्टिंग बुकरम लगाई है उसके ऊपर निशान है, तो उस तरफ से इसको मैंने फॉलो करना है। और ये जी एक साइड के मैंने लाइनों पे सिलाइयाँ लगा ली हैं, और अब दूसरी तरफ से लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से ही इस पे लाइन लगा के तो ये मैं डिज़ाइनिंग बना रही हूँ। अभी ये एक जो इसका हिस्सा है ये मुकम्मल होने वाला है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मुकम्मल करने के बाद। ये यहाँ से इसको हमने वापस कर लिया, और इधर से अब ये सिलाई जो है ये एंड हो गई। तो अभी मैं दूसरे हिस्से पे इसको स्टार्ट कर लेती हूँ और इसको दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए जी, इसको मैंने काट लिया है। ये धागा मोटा है इसलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं बल्कि काटा ही है, और ये काटने से ही सही रहता है, अगर तोड़ेंगे तो सही नहीं रहेगा। ये देखिए ये इस तरह की डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, हल्की फुल्की सी की है। और ये इसके बाजू की पट्टियाँ हैं, बाजू की पट्टी को हमने बाद में अटैच करना। ये गले की पट्टी जो है ये भी बन गई, और ये बाजू की पट्टी भी बन चुकी। तो अभी इसका जो है बाजू के साथ अटैच कर लेते हैं बाजू वाली पट्टी को। इसको मैंने उल्टी तरह से रखा है, और ये पेस्टिंग बुकरम के साथ साथ मैंने इस पे सिलाई लगानी है, और सिलाई लगा के इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड करते हैं। और ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो ये जो इसके आगे कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको भी ऐसे ही हमने फोल्ड कर लेना अंदर की तरफ, और इसको ये इस तरह से रख देना, और ये सीधी साइड पे इस तरह से पट्टी अटैच हो जाएगी। ये इस तरह इसकी सिलाई लगा लेनी है हमने। देखिए जी, ये ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद ये बाजू की जो सीधी साइड है वहाँ से इस तरह ही लग रही है, और ये जो गला है ये बन चुका है। अब इस पे जो पट्टी है इसकी ये हमने बनानी है, तो यहाँ पे चाहे पिन लगा लें या टांका लगा लें, मैं इस पे इस तरह से टांका लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने इस तरह टांका लगा लिया ताकि कपड़ा जो है इधर उधर नहीं हो जो पट्टी का है, और नीचे वाली साइड पे मैंने सुई लगा दी है। और अब इसकी हमने उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। उल्टी साइड पे ये मैंने पेस्टिंग बुकरम के दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, जहाँ पे हमने कपड़े पे ही सिलाई लानी है, पेस्टिंग बुकरम पे नहीं लानी। ये इस तरह बिल्कुल साथ साथ इसके ऐसे। तो अभी ये जो पट्टी का दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो टांका लगाया था वो भी निकाल दिया, और ये पट्टी की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, और ये पेस्टिंग बुकरम के ऊपर तक आएगा। ये चौड़ा रखा खुद ही कि पेस्टिंग बुकरम जो है ये इससे ज़रा महफूज हो जाएगी, वैसे इसके रेशे निकल जाते हैं और वो ख़त्म हो जाती है कुछ अरसे के बाद। और अब इसकी ये जो साइड वाली सिलाई है वो लगानी है पहले। जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे चाहे तरपाई कर लें चाहे बखिया लगा लें, तो ये मैं इसकी बिल्कुल साथ साथ बखिया लगा रही हूँ। और ये मैंने कपड़े की एक पट्टी बना के रखी है, तो इसको भी हमने साथ ही लगाना है ताकि इसके ऊपर हम बटन लगा सकें, तो ये गला जो है बिल्कुल साथ साथ लगा रहेगा।
तो अभी ये इसकी सिलाई जो है ये मैं नीचे तक लाऊंगी, ऐसे जो पट्टी की नोक है ये वहाँ पे उसके करीब आ गई है। तो अब यहाँ पे हमने जो कपड़े की पट्टी बनाई है उसको रखना है इसके साथ। अब इसका जो कोना है ये अच्छी तरह से निकाली है, ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल ये करीब आ गई है सिलाई। और अब इसके नीचे हमने ये पट्टी रखनी है, और इसकी जो डबल साइड जुड़ी हुई है उसको हमने जिस साइड पे बखिया कर लिया उस तरफ रखना है, और जो साइड इसकी खुली है उसको इस तरफ रखेंगे जिस पे अभी हमने बखिया करना है। तो ये इस तरह से इसको इसके नीचे रख देना है, और ये जी बिल्कुल इसका देख लेना कि कितना हमने सिलाई में इसको देना है, तो उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेनी है। और ये मैंने बिल्कुल इसको पैर के दबाव का देना है सिलाई के अंदर। तो ये इस तरह से यहाँ पे अब इसको रख के सुई को तो इस तरह ये लगा लिया हमने टांका, और टांका लगाने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह सेट कर लेना और इसको मोड़ लेना है। ये ऐसे इस तरफ को जितना हमने खुला उसमें रखा हुआ सुराख, मतलब पट्टी जितनी खुली रखी हुई उतनी ही अब भी रखनी है, और उसी हिसाब से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इसका जो ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद ये जितना कपड़ा सिलाई में हमने एक्स्ट्रा देना है इस तरफ उतना दे के, तो जो बाकी ज़्यादा बड़ी साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है, वो पट्टी के नीचे आएगा दूसरी के। और ये जिस तरह गला जो है ये इसका मुकम्मल हो गया है। अभी गले की मर्ज़ी रहती है, लेकिन जो बॉयज़ के कुर्ता होता है उस पर हमने पट्टी जो है वो एक साथ ही लगानी होती है, चाहे मर्ज़ी लगाएं चाहे अंदर की तरफ फोल्ड करने वाली, तो इसलिए इसका पहले हम तीरा जोड़ लेते हैं। इस तरह से तीरे की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से, ऐसे जो एक्स्ट्रा धागा होता है उसको हमेशा काटते हैं, खींच के या तोड़ के नहीं सही रहता, उससे बखिया को खिंच पड़ जाती है, तो इसलिए इसको खींचना नहीं होता, हमने काटना होता है। और ये जी अब तीरे को जोड़ लिया है इन दोनों तरफ से, ये देखें जो पेस्टिंग बुकरम लगाई हुई है मैंने, वो भी मैंने सिलाई जितना कपड़ा छोड़ के तो उसके नीचे लगाई थी, तो ये इसके साथ साथ ही सिलाई आ रही है, इसके ऊपर नहीं आ रही। और ये इस तरह से जी तीरे की सिलाई जो है ये लग चुकी। अब ये मैं इसके आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रही हूँ ताकि बखिया जो है ये चलता रहे ऐसे, और अभी इसके आगे मैं लगाऊँगी पाइपिंग गले के इस तरह से। उसके लिए मैंने लिया है ये रेप कपड़ा, और उसको इस तरह से ये डबल कर लिया, डबल करके तो इस पे रख के ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगानी है। जो रेप कपड़े की मगजी लगा रही हूँ ये डबल है, और डबल को इस तरह लगाते जाना है, और उसके बाद इसको अंदर की साइड पे हमने फोल्ड कर देना है, ये ऐसे, ये जहाँ पे कपड़ा कोई कम ज़्यादा हो उसको इसके साथ ही मैनेज कर लेना है। इस तरह से हमने गले की जो पट्टी है वो पूरे राउंड गले में लगा लेनी है इस तरह से, और ये पट्टी जो है ये एंड तक ऐसी लानी है, और सीधा इसको निकाल लेना आगे, तो जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट देंगे। उससे पहले हमने अब ये इसके बाजू जो है ये जोड़ लेने हैं, जो बॉयज़ का कुर्ता होता है उसके बाजू जो है हमेशा पहले जोड़े जाते हैं, और उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। जो लेडीज़ का होता है उसको पहले फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और बाद में बाजू जोड़ते हैं, तो ये इस तरह से थोड़ा फ़र्क होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में। और ये जी बाजू जुड़ गया, और उसके बाद अब इसकी जो साइड सिलाई है वो लगा रही हूँ। ये बाजू को आगे से हमने मजबूत कर लिया, ये बाजू के शुरू से सिलाई शुरू की है, और उसके बाद ये जहाँ पे कंधे की सिलाई आई वहाँ पे थोड़ा सा टांका आगे पीछे किया, और उसके बाद इसको चाक तक ले आए, और चाक तक ला के दोनों तरफ की सिलाई है मुकम्मल कर ली। और उसके बाद अब ये इसका जो दामन है इसको फोल्ड करना है,
ये 1 इंच पे मैंने निशान लगाया हुआ था, तो 1 इंच पे इसको डबल कर लिया, आधी इंच चौड़ी जो है ये सिलाई लगा रही है इसकी। तो इस तरह से इसको साथ साथ मोड़ते जाना है और सिलाई जो है मुकम्मल करते जाना है। और ये देखें जी, ये कुर्ते की फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।